24 घंटे के अंदर उनका कैंप से नाम कट गया, उनको कैंप से बाहर भेज दिया गया। साथ में उनकी जो वाइफ थी उनका भी नेशनल कैंप से नाम काट दिया था, और वो उस दिन के बाद से आज तक कभी भी किसी कॉम्पिटिशन में पार्टिसिपेट नहीं कर पाई हैं। तीसरी बात, अभी जब हम जंतर मंतर पे बैठे थे उससे पहले सरकार के एक अधिकारी से हम मिले थे, जंतर मंतर पे बैठने से 3-4 महीने पहले की बात है। हमने उनको हर एक बात बताई थी कि कैसे लड़कियों के साथ में सेक्सुअल हरासमेंट हो रहा है, कैसे लड़कियों को दुखी किया जा रहा है, मेंटली टॉर्चर किया जा रहा है हर लेवल पे, मतलब खिलाड़ियों को इतना परेशान किया जा रहा है कि खिलाड़ी कुछ भी करने को रेडी है अपनी लाइफ के साथ में। जब हमने 3-4 महीने वेट कर लिया उसके बाद कुछ भी नहीं हुआ, फिर हम जंतर मंतर पे आए। जब हम गवर्नमेंट से बात करने के लिए, खेल मंत्री जी से बात करने के लिए गए, लास्ट दिन जब हमने धरना खत्म किया था, सभी खिलाड़ी अंदर गए थे, खेल मंत्री जी के सामने सारी बातें बताई थी, सभी लड़कियों ने सेक्सुअल हरासमेंट के ऊपर बातें बताई थी, अपने अपने इंसिडेंट शेयर किए थे, सभी लड़कियां रो रही थी उनके सामने ही, लेकिन कोई भी एक्शन नहीं लिया गया था उस टाइम पे भी। खेल मंत्री जी ने कमेटी बना के उस मामले को फिर से रफा दफा करने की कोशिश की, तो आप देख लीजिए हमने हर लेवल पे हमने आवाज़ उठाने की कोशिश की, लेकिन जिसने भी कोशिश की उस मामले को वहीं पे दबा दिया गया। तो जो वो बोल रहा है कि 12 साल से चुप थे, तो आप देख लीजिए 12 साल से हम चुप क्यों थे। हमें रेसलिंग करना था, हमारी लाइफ, हमारा कैरियर, सब कुछ हमारा दाव पे लगा होता है, इसलिए हमारे अंदर इतनी हिम्मत नहीं हो पाई कभी भी। आज हम उस मुकाम पे पहुंच गए कि हाँ अभी तो इससे आगे तो मौत है, तब हमें हिम्मत आई, तब हम लोग साथ में कि एक, क्योंकि जब भी किसी एक ने आवाज़ उठाई तभी उसकी आवाज़ को दबा दिया गया, इसलिए सब लोग इकट्ठा आ गए। आप देख लीजिए हम इतने लोग इकट्ठा हैं, फिर भी FIR नहीं हो रही है जल्दी से, उसके ऊपर कार्रवाई नहीं हो रही है, तो बहुत मुश्किल है ऐसे इंसान के खिलाफ खड़ा होना जो इतने सालों से अपनी पावर का, अपनी पोजीशन का गलत इस्तेमाल कर रहा है। एक बार हम बता देते हैं जी, उसके बाद में आप क्वेश्चन कर लेना सब लोग। अभी काफ़ी टाइम से यही क्वेश्चन उठ रहा है कि हम नेशनल्स नहीं खेलना चाहते या हम कोई टूर्नामेंट नहीं खेलना चाहते, हम सीधा ओलंपिक्स में जाना चाहते हैं, इसीलिए हम ये प्रोटेस्ट पे बैठे हैं। 2016 में मैं ट्रायल्स लेके गई थी इंडिया में और मैं फर्स्ट आई थी, तो ये रूल होता है जो इंडिया में फर्स्ट आता है वही क्वालिफिकेशन करने के लिए जाता है टूर्नामेंट में। टर्की में हमारा कैंप लगा हुआ था, क्वालिफिकेशन टूर्नामेंट के 4 दिन बाकी थे, 4 दिन पहले मेरी ट्रायल एक इंडियन लड़की के साथ ली गई, जबकि मैं इंडिया में फर्स्ट आगे गई थी, सिर्फ मेरी ली गई। ये क्वेश्चन पूछना आप प्लीज उनसे कि सिर्फ मेरी टर्की में ट्रायल लेने का क्या मतलब, बाहर कभी इंडिया से बाहर जाके कभी इंडियन इंडियंस की ट्रायल्स नहीं होती, और किसी वेट में ट्रायल्स नहीं ली गई, सिर्फ मेरी ट्रायल्स ली गई। ऐसे ही अभी 2022 में एक लड़की की ट्रायल हुई और वो ट्रेन में थी, वो जीत चुकी थी अपनी ट्रायल, उसको ट्रेन में से वापस बुलाया कि कल फिर दोबारा ट्रायल होगी आपकी। उस लड़की ने विनेश के पास कॉल किया कि दीदी ऐसे ऐसे हो रहा है, मेरी ट्रायल दोबारा क्यों ली जा रही है, अभी तो ट्रायल्स खत्म हुई है, मैं वापस घर जा रही हूँ। तो आप देख लो कि कौन अन्याय कर रहा है, कौन बार बार बिना काम की ट्रायल्स ले रहा है, कुछ भी कर रहा है मतलब, और एलिगेशन हम पे लगा रहा है कि हम टूर्नामेंट नहीं खेलना चाहते। और दोबारा जब उस लड़की ने ट्रायल दी, उस लड़की को हरवाया गया, पहली ट्रायल में वो जीत रही थी वो लड़की, क्योंकि 24 घंटे में उसको दोबारा वेट कट किया है वो लड़की, उस दिन ट्रायल वाले दिन भी वजन भी दोबारा लिया गया, उस लड़कियों का उल्टी हो रही थी, अब मैं खुद देख रही थी ट्रायल्स में वो लड़की बार बार हर मैच के बाद में उल्टियाँ कर रही थी बेचारी। ट्रेन में रोते हुए उसने मेरे को फ़ोन किया था कि दीदी ऐसे ऐसे हो रहा है, तो मैं भी लाचार थी, मैं बोली बेटा अभी या तो तू फिर इसको ट्रायल को छोड़ दे या तेरे को खेलना पड़ेगा, क्योंकि इन लोगों के सामने ना तो मेरी औकात है ना तेरी औकात है कुछ भी बोलने की। वो लड़की दोबारा ट्रेन में जैसे ही रास्ते में उतरी है, वो उसने ट्रेन पकड़ा है, वो गई है, उसको फिर से हरवाया गया। ये कौन सा रूल है? किसी भी इंटरनेशनल कॉम्पिटिशन, हमारे साथ भी चीटिंग होता है, हमारे साथ भी कभी कभी मैट के ऊपर गलत डिसीजन हो जाते हैं, लेकिन कभी अगर किसी विनर को घोषित कर दिया उसके बाद में किसी भी इंटरनेशनल नेशनल कॉम्पिटिशन कोई भी हो, हिस्ट्री उठा के देख लीजिए, कभी भी सेकेंड टाइम उस बाउट को नहीं करवाया जाता, चाहे वो ओलंपिक गोल्ड मेडल की बाउट ही क्यों ना हो। अगर बाउट की बात है तो 2019 की बाउट आप निकाल लीजिए, मेरी वर्ल्ड चैंपियनशिप की सेमीफाइनल बाउट थी और मेरे भूषण भी वहीं पे बैठे थे, और उस बाउट में पूरी मतलब चीटिंग हुई है, उसके बावजूद मेरे भूषण ने मेरे कोच को धमकाया कि आपने ऑब्जेक्शन क्यों किया,
मैंने उनको बोला कि भाई मेरा कोच सही है, आप एक बार UWW से भी अपील करिए कि भाई आपने हमारे खिलाड़ियों के साथ चीटिंग की है। अगले दिन UWW ने इंडिया फेडरेशन से गलती मांगी कि हमसे गलती हो गई, हम जो चीटिंग हुई है आगे खिलाड़ियों का ध्यान रखेंगे, किसी के साथ ऐसी गलती ना हो। और दूसरी बात बताऊँ, वो बोल रहे हैं कि अभी इन बच्चों को नेशनल करवाने दो, हमें बच्चों का नुकसान हो रहा है, बच्चे टूर्नामेंट नहीं खेल पा रहे हैं, वो बोले मुझे फांसी पर लटका दो। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ, एक उन्होंने अभी 2-3 साल से एक टूर्नामेंट चालू किया है, ओपन रैंकिंग सीरीज। ओपन रैंकिंग सीरीज का उन्होंने एक बच्चे के साथ ₹1,025 उसका चार्ज है, उसमें अगर आप पार्टिसिपेट करोगे तो आपको ₹1,025 देने पड़ेंगे। और उसके बावजूद बच्चा खुद ट्रेन की टिकट करवाता है या वो फ्लाइट में जाता है, खुद होटल का करता है, खुद खाने, बच्चों को कोई सुविधा नहीं मिलती। और वो मैं उनसे पूछना चाहता हूँ कि वो पैसे जाते कहाँ जो बच्चे देते हैं, एक वजन में 200-200 बच्चे लड़ते हैं, तो 30 वजन है हमारे, 10 लड़कियों के, 10 ग्रीको रोमन के और 10 फ्रीस्टाइल के, तो वो पैसे जाते कहाँ जब बच्चे खुद ही रहते हैं, अपने होटल को खुद कराते हैं, वो खाते भी खुद हैं वो। और उसके बाद वो टूर्नामेंट खेल के उधर वापस आते, उस मेडल का कोई फ़ायदा भी नहीं मिलता उन्हें। और रही बात, बोले ओलंपिक के रूल बनाए थे हमने इसलिए खिलाड़ी प्रदर्शन कर रहे हैं, पहले तो ये रूल के खिलाफ है ही नहीं, ये तो सेक्सुअल हरासमेंट के खिलाफ है। और रूल की अगर मैं बताऊँ आपको, तो उन्होंने रूल बनाया है ओलंपिक के लिए कि जो खिलाड़ी ओलंपिक के लिए क्वालिफाई करके आएगा तो फेडरेशन का अगर मन करेगा ना तो उसकी ट्रायल होगी, बाकी सबकी ट्रायल नहीं होगी। तो ये तो उनके मन मर्जी के रूल हो गए ना, ये एक क्लियर रूल कहाँ हुआ कि भाई सभी की ट्रायल होगी, अगर 5 खिलाड़ी क्वालिफाई करके आते हैं तो 500 की ट्रायल होगी। उन्होंने तो ये बोल दिया कि जिस फेडरेशन का मन करेगा ना कि भाई बजरंग की ट्रायल नहीं होनी चाहिए, बाकी 4 की ट्रायल होनी चाहिए, तो 4 की ट्रायल होगी, बजरंग की ट्रायल नहीं होगी। ये उनके न्याय के रूल हैं जो वो सवाल कर रहे हैं, और ये उनकी वेबसाइट पे अवेलेबल है आज भी, अगर आप चेक करना चाहो तो आप निकाल लीजिएगा, हमारे पास भी।